और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, जहां जल्द हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का ऐलान। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सहमति बनी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रस्ताव रखा था, हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का फैसला लेगा। और कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा है। पूर्व मंत्री और खरसिया से विधायक उमेश पटेल का नाम सबसे आगे है। पूर्व सीएम बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, आदिवासी नेता कवासी लखमा और लखेश्वर बघेल का नाम भी शामिल है। पटेल को सत्ता और संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। तो जल्द नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो सकता है। कई नाम जो है इस लिस्ट में आगे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सहमति बनी है और हाईकमान नेता प्रतिपक्ष का फैसला लेगा। तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है। सीएम, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जो है वो प्रस्ताव रखा था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, नेता प्रतिपक्ष को लेकर आखिर कांग्रेस में मंथन चल रहा है, मुख्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं इस लिस्ट में? देखिए, दिल्ली में जो समीक्षा बैठक हुई थी हार की, उसको उस बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा की गई थी। तमाम जो सीनियर नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, उनसे भी नाम पूछा गया था। वहां पर कई नाम सामने आए थे, चर्चा हुई थी, लेकिन यहां पर भी चर्चा की जानी थी। और उसी लिए कल कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह प्रस्ताव रखा। एक लाइन का प्रस्ताव था कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाईकमान ही फैसला लेगा। बैठक के बाद जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक है अजय माकन, उन्होंने बात रखी मीडिया के सामने, वो आए और स्पष्ट तौर पर कहा कि विधायक दल की बैठक ने ये फैसला किया है कि हाईकमान ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला लेगा, क्योंकि हर, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, निर्णय आलाकमान ही लेता है। और इसलिए विधायक दल ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाईकमान ही यहां पर निर्णय लेगा। प्रमुख तौर पर अगर नामों को देखा जाए तो सबसे जो नाम आगे है वो है पूर्व मंत्री और विधायक खरसिया से उमेश पटेल। उमेश पटेल स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे भी हैं, खरसिया से तीसरी बार वो जीत कर आए हैं और उनका नाम सबसे आगे है। और उनको सत्ता और संगठन का काफी अनुभव है काम करने का। वो यो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके बाद मंत्री रहे हैं 5 साल, तो जवाबदारी उनको दी जा सकती है। इसके अलावा उमेश पटेल के बाद अगर कोई नाम आता है तो उसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, आदिवासी नेता कवासी लखमा और लखेश्वर बघेल का भी नाम शामिल है। इसमें देखिए, कवासी लखमा का चांस काफी कम है क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित है। दूसरा, उनके पास उतना अनुभव नहीं है संसदीय अगर ज्ञान को देखा जाए तो। इसके अलावा लखेश्वर बघेल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लखेश्वर बघेल लगातार वहां पर चुनाव जीतते आ रहे हैं बस्तर के इलाके से। इसके अलावा दो और जो नाम बचते हैं वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चरणदास महन का है। ऐसी खबर मिल रही है कि चरणदास महन को नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ऐसे नेतृत्व की तलाश कर रही है कांग्रेस जिनमें आक्रामकता हो नेता प्रतिपक्ष को लेकर। और फिलहाल ये खबर भी है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शायद ही नेता प्रतिपक्ष बने, क्योंकि 5 साल तक अब मेहनत करनी है तो हो सकता है उनको कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती हो। तो देखा जाए तो उमेश पटेल दावेदार यहां पर नजर आ रहे हैं, सबसे मजबूत दावेदार, और उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। बिल्कुल, बने रहिएगा हेमंत, आगे भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे।